हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे परसेंटेज ऑफ एटम इकोनॉमी। तो ये न्यूमेरिकल्स के लिए काम आता है ये फॉर्मूला, परसेंटेज एटम इकोनॉमी दैट इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो इसका क्वेश्चन आपको ऐसे आता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट, तो यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट में आपके पास बेंजीन है, फिर 4.5 O2 है। तो इसके जो एरो के ऊपर जो कुछ भी दिया है डेटा, उसको आप कंसिडर मत करो। सिंपली आपका जो मेन है ये रिएक्टेंट है, ये दो इम्पॉर्टेंट है। और प्रोडक्ट में आपको सिर्फ ध्यान रखना है जो मेन प्रोडक्ट बन रहा है उसके ऊपर ही ध्यान रखना है, बाकी जो साइड प्रोडक्ट है बाई प्रोडक्ट उसके ऊपर कुछ ये नहीं है। सो मॉलिकुलर वेट ऑफ C6H6 कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए आपको ये याद रहना चाहिए, मॉलिकुलर वेट ऑफ कार्बन दैट इज 12, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 35.5, कैल्शियम 40, ब्रोमियम 53, पोटेशियम 39, नाइट्रोजन 14। तो ये आप याद रखो, तो फिर ये कैलकुलेशंस के लिए काम आएगा। मॉलिकुलर वेट ऑफ पहले इसके कैलकुलेट करेंगे, फिर बाद में इसके लिए ऑक्सीजन का तो सिंपली कर देंगे। सो ये दोनों मिल गया है, ये साइड क्या है, रिएक्टेंट है, तो आपका रिएक्टेंट वाला काम खत्म हो गया। फिर प्रोडक्ट के लिए कैलकुलेट करेंगे, ये जो मेन है प्रोडक्ट। सो मॉलिकुलर वेट ऑफ दिस प्रोडक्ट, बीच में सब प्लस करेंगे। यहाँ पे जो C4 है, मतलब 4 × C, कार्बन का क्या है 12, प्लस 2 × हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1, प्लस 3 × ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16। तो फिर टोटल ऐड किया, फिर उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज ऑफ एटम इकोनॉमी दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इंटू 100। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपना ये, रिएक्टेंट दिस प्लस दिस, यहाँ पे ये दोनों ऐड करके ये मिला ना, तो इसलिए दिस प्लस दिस करेंगे इंटू 100। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। सेकेंड, ये आपको ऐसे दिया है, तो ये ब्यूटेन है, तो इसमें आपको कार्बन कहाँ कहाँ पे वो देखना है। एग्जांपल यहाँ पे ये 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे 4 कार्बन है, C4H8। तो ये पता लगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट, तो उसका मॉलिकुलर वेट करना है कैलकुलेट, फॉर्मूला में पुट करना है। देन दिस C4H10, तो ये पता कैसे चल रहा है, यहाँ पे C1, 2, 3, 4, तो फिर यहाँ पे कार्बन का वैलेंसी क्या रहता है, 4 बॉन्ड बनाता है, एक तो पहले से था तो यहाँ पे H3 हुआ, यहाँ पे 2 पहले से बॉन्ड है, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 3, तो 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे 8 कैसे, क्योंकि बीच में यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड था। एंड ये इसमें कार्बन कितने हैं वो भी कैलकुलेट करना है आपको, 2, 3, 4। तो फिर हाइड्रोजन कितने हैं, कार्बन का कितना है, 4 बनाता है, तो यहाँ पे 3 है बॉन्ड, एक यहाँ पे हाइड्रोजन है प्रेजेंट, यहाँ पे भी कार्बन 4 बनाता है, 3 है तो एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, कार्बन 4 है और ऑक्सीजन यहाँ पे दिया है 1, 2, 3। सो इसको रख के आपको कैलकुलेट करना है, रेस्ट सिंपली फॉर्मूला पुट करना है। और यहाँ पे ऐसे दिया है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, 2 कार्बन प्रेजेंट है, तो ये कार्बन का वैलेंसी कितना है, 4 लेता है बॉन्ड, 1 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, C2H4O। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।